नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जत्कृपद्मं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं पालं सुखमुखदमृतद्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमलयं मुरुरसिकाभुविभावुका ओम नमो भगवते वासुदेवा। हे मोर प्रिय श्रोता बंधुगण, प्रथम आपण मन को प्रणाम करी स्वागत जनाऊँ प्राचीनंद चैनल भागवत चर्चा को। आज आसत शुणा तृतीय अध्याय। आम द्वितीय अध्याय शुणी भगवान सृष्टि और तापर सब जीवजंतु पशुपक्षी मनुष्य मान कि प्रकार पालन पोषण करती सुत मुनि को सनकादि ऋषि मैंने प्रश्न करते विषय आज तृतीय अध्याय भगवान अवतार वर्णन। अवतार वर्णन आसिले सुत आरंभ कले ये आसतु शुणा सुत कहले सृष्टिर आद्य समय भगवान भगवान लोक तथा पुरा पुर मान निर्माण करार इच्छा कर महतत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूपे निजे धारण कले से मन सह एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत मिसी षोह कला थिला। से जलरे जगनिद्रा गलारु नाभी सरोवरु एक कमल प्रकट हो से प्रजापति अधिपति ब्रह्मा जात हेले। भगवान से ही विराट रूपर अंग प्रत्यंगे समस्त लोकर कल्पना करा जाएछि। ताहा भगवान विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप अटे। योगी मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान से ही रूप को दर्शन करती। से ही रूप से हजार लेखाएं पाद जंग हस्त मुख शिर कर्ण चक्षु नासिका थिबारु अति विलक्षण जाना जाए। से पुणी हजार संख्यार मुकुट वस्तु आदि कुंडल आदि आभूषण थाई से रूप को उल्लसित करें। भगवान यही रूप ही समस्त अवतार अक्षय कोष अटे। यही रूपर अति छोट अंशर देवता पशुपक्षी मनुष्य आदि समस्त जनि सृष्टि हुए। से प्रभु सनक सनंद सनातन और सनत कुमार रूपे प्रथम अवतार ग्रहण करी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कले। द्वितीय संसार कल्याण निमन्ते रसातलगामी पृथ्वी को उद्धार करने शुकर रूपे जन्मग्रहण करते। ऋषि मानकर सृष्टि मध्यरु देवर्षि नारद रूपे तृतीय अवतार ग्रहण करी तांकर रचित सात्वत तंत्र नारद पंचरात्र रे एपरी उपदेश देइछन्दि जहाद्वारा जन्म मरण चक्ररु किपरि मुक्ति मिले ता निर्धारित निर्देशित होइअछि। धर्मज्ञ पत्नी मूर्ति गर्भरु से नरनारायण रूपे चतुर्थ अवतार ग्रहण करी मन सह समस्त इंद्रिय को संयम पूर्वक अति कठिन तप आचरण करिथिले। पंचमरे सिद्ध कमल रे श्रेष्ठ कपिल रूपे अवतार ग्रहण करते। से काल गर्भरे लुप्त हो जाइथिबा तत्व निर्णायक सांख्य शास्त्र को प्रकाश करी असुरी नाम ब्राह्मण को उपदेश देते। अत्रिंग स्त्री अनुष्या प्रार्थना हेतु दत्तात्रेय रूपे गर्भर षष्ठ अवतार ग्रहण करी अलर्क और प्रह्लाद को ब्रह्मज्ञान उपदेश देते। रुचि ऋषि पत्नी आकृति गर्भर यज्ञपुरुष रूपे सप्तम अवतार ग्रहण करते। से जाम आदि देवता स्वयंभुव मन्वंतर रक्षा करते। राजा नाभी पत्नी मेरुदेवी गर्भर ऋषभदेव रूपे अष्टम अवतार अवतीर्ण हो सबु आश्रम निमन्ते वंदनीय परमहंस मार्गदर्शन कराइले। ऋषि मान प्रार्थनार नवमें समस्त कल्याणकारी पृथ्वी रूपे अवतारित हो पृथ्वीदेवी ठार समस्त औषधि को दहन करते। चाक्षुष मन्वंतर श्रेष्ठ शेषे समुदाय धरणी समुद्र में प्लावित होता समय भगवान मत्स्य रूप से दशम अवतार ग्रहण कर यह पर वैवस्वत मन होता सत्यव्रत राजा नौका उपरे आश्रय दे रक्षा करते। सुरासुर माने समुद्र मंथन करने भगवान कच्छप अवतार कच्छप रूपे एकादश अवतार हो मंदराचल को निज पीठ धारण करते। द्वादश अवतार धन्वंतरी रूप से अमृत भाण्ड धारण कर समुद्र मध्य प्रकट होते और त्रयोदश मोहिनी रूप धारण कर भगवान दैत्य को मोहित कराई देवता मान अमृत पियाई। चतुर्दश अवतार रे से नरसिंह रूप धरी पराक्रमी हिरण्यकशिपुर वक्षस्थल निजर नखद्वारा विदारण करते।
ପୁଣି ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳିର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ଛଳରେ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରରେ ପରଶୁରାମ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କ୍ରୋଧପରାୟଣ ଭାବେ ଏକୋଇଶ ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଧରଣୀକୁ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରାଶରଙ୍କ ଔରସରୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପେ ସପ୍ତଦଶ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିହୀନ ଦେଖି ବେଦକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଅନେକ ଶାଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ଅବତାରିତ ହୋଇ ସେତୁବନ୍ଧନ ରାବଣ ବଧାଦି ନାନା ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦୁବଂଶରେ ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଉନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିଥିଲେ। ପରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କିକଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଜନର ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଏକବିଂଶ ଅବତାରରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଗଣଙ୍କୁ ଦମନପୂର୍ବକ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ହେ ଋଷିଗଣ, ଗୋଟିଏ ଅଗାଧ ସରୋବରରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ନାଳ ବାହାରିଲା ଭଳି ସତ୍ୱନିଧି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ହୋଇଆସୁଛି। ଋଷି, ମନୁ, ଦେବତା, ପ୍ରଜାପତି, ମନୁପୁତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ହେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଧା ଯାହା ରଖିଦେଲି, କାଲିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।